नमस्कार, तुम लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो मैंने तुम लोगों को डेढ़ दो वीडियो पहले बोला था कि अगर तुम्हें YouTube पे बवासीर सीर देखना है तुम लोग इस आदमी के चैनल पे जाओ, लेकिन फिर YouTube ने मेरी बात को सीरियस लिया और एक नया फीचर लॉन्च किया। नाना, हम YouTube शॉर्ट्स की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं YouTube ट्रेंडिंग पेज की। अब तुम में से कुछ चमन चूतिया चौथी फेल बोलेंगे कि वो वहाँ पे बहुत पहले से था, तुझे पहली बार दिखा है। देखो, मुझे मालूम है ये बकचोदी YouTube पे बहुत पहले से थी, लेकिन अपने देश में ये चीज रिवाज बन चुकी है कि हर दो तीन सालों में ट्रेंडिंग पेज पे बवासीर फैलाना है। मतलब तुम लोगों को यहाँ पे डेढ़ दो साल पहले देवर से लेकर के भाभी तक सब कुछ मिलता था, उसके बाद बीच में थोड़ा सा सुधार आया, लेकिन लॉकडाउन के बाद जनता ने फिर से हगना शुरू कर दिया है। मतलब अभी दो दिन पहले मैं बस खाना खाते खाते YouTube ट्रेंडिंग पेज देख रहा था, वहाँ तो कतई अलग ही लेवल की बकचोदी चल रही है। तो ऐसी रही सुहाग वाली रात। बेसिकली आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में। यार, वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर तुम लोग उनमें से एक हो जिन्होंने अभी तक चैनल का नीचे लाल वाला बटन नहीं दबाया तो भोसड़ी वाला दबा दो ना यार। तुम्हें कौन सा, मैं कह रहा हूँ ज्वाइन वाले बटन पे दबा के मुझे पैसा लाओ महीने महीने का, एक बार वो लाल वाला बटन ही तो दबाना है। तो आओ ना, लेट्स बिगिन विदाउट एनी बकचोदी। देखकर ये वीडियो के टाइटल और थंबनेल देखने के बाद मेरे भी दिमाग में वही बकचोदी आई जो कि आम आदमी के दिमाग में आनी चाहिए थी। मतलब मैं 12 मिनट 6 सेकंड के लिए भूल चुका था कि मैं YouTube पे बकचोदी मार रहा हूँ। मैंने पूरे 12 मिनट 6 सेकंड देखे बिना 2x करे। इतना स्ट्रगल अनन्या पांडे ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा, और पूरी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद आखिरी में क्या होता है, हमारा जूतिया कट जाता है। मतलब इतना कटा हुआ तो मुझे मुंबई करने के लिए थंबनेल और व्लॉग देखने के बाद नहीं लगता। मतलब स्टार्टिंग के 4 मिनट इस आदमी ने अपने घर में खाना खजाना चलाया, उसके बाद बीच के 5 मिनट इस आदमी ने होटल को एक्सप्लोर किया, फिर आखिरी के भाई ने उसी होटल को एक्सपोज भी कर दिया, और पूरी 12 मिनट 6 सेकंड की वीडियो में भाई का एक चूतिया सवाल भी था कि होटल रूम में सिर्फ 3 लोग आ सकते हैं तो इतने सारे काउच क्या कर रहे हैं। अबे चूतिया, लोगों की अपनी अपनी फैंटेसी होती है, कोई बेड पे करता है कोई काउच पे करता है। और भोसड़ी के जो तूने क्लिकबेट मारा वो तो कतई अलग ही लेवल पे जा रहा है। और नहीं, भाई ने अगली वीडियो में उन लोगों को क्रिटिसाइज भी किया जिन लोगों ने फालतू के कमेंट्स मारे थे। देखो यार, भाई का कंटेंट तो बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली होता है, लेकिन दिक्कत तो बस यहाँ आती है कि भाई की वीडियो का कंटेंट टाइटल और थंबनेल से मैच नहीं करता। इन सब के बाद भाई को जनता ने इतना सारा प्यार दे दिया कमेंट सेशन में कि भाई को कमेंट सेशन ही ऑफ करना पड़ गया। नहीं, क्यों इतना प्यार क्यों देते हो तुम लोग भी, अभी कमेंट सेशन पढ़ता तो उसमें और कंटेंट मिलता। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अब हम आते हैं आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड पे। ओह सॉरी, कुछ लोग इस ट्रेंड को ट्रेंड ना कहकर के स्कैम 2020 कह रहे हैं। नहीं, इस आदमी को तो तुम जानते ही होगे, इसको नहीं तो इसको तो पक्का ही जानते होगे। हाँ, अपने देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी YouTube वर्सेस TikTok इन्हीं भाई साहब ने शुरू करी थी। मतलब मोदी जी इस देश में नोटबंदी करने के बाद भी इतनी भसड़ नहीं फैला पाए थे जितना इस आदमी ने एक 7 मिनट की वीडियो से फैला दिया था। मतलब पूरे देश का आधा यूथ एक तरफा गांड मरवा रहा था, और मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज तो मैंने खुद से नोटिस करी है। जब से इन भाई जान ने अपना नया चैनल खोला है, उस चैनल की 10 में से 8 वीडियो तो कंट्रोवर्सी मार गई जा रही है। नहीं, आजकल जिस तरीके से आदमी काम कर रहा है ना, उसके हिसाब से 2-3 साल बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना भी टैलेंट में गिना जाएगा। और आजकल तो इन लोगों ने YouTube के साथ साथ पार्ट टाइम में वकालत भी शुरू कर दी है। और तुम लोगों ने बाबा के ढाबों वाली बकचोदी तो सुनी होगी, मतलब जितनी भसूड़ी इस केस में फैल रही होती तो पूरे सुशांत सिंह राजपूत के केस में नहीं फैली होगी। कुछ टाइम बाद हमें इस केस के लिए भी सीबीआई लगानी पड़ेगी, और फिर वो लोग ड्रग का एंगल लेके आएंगे और हम चूतिया बन जाएंगे, क्योंकि हमारा देश भी तो ऐसे आगे बढ़ता है ना। और कोई इस आदमी को बता कि कोई भी जजमेंट देने से पहले तू ओपिनियन लगा देगा तो पब्लिक चूतिया नहीं बन जाएगी। और ये बाबा का क्या है, बाबा का तो मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जब स्टार्टिंग में वीडियो बन रही थी तो बहुत मस्त तरीके से रो रहे थे, फिर उसके बाद बीच में बाबा में एटीट्यूड भी आ गया, और उसके बाद जब पब्लिक प्यार दिखाने लगी तो बाबा फिर से रोने लग गए। मतलब इतनी बकचोदी तो ट्रंप ने भी नहीं मारी होगी हारने के बाद, या शायद मारी होगी, मुझे नहीं मालूम। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को बेस्ट पार्ट क्या लगा। और एक नीचे लाल कलर का बटन है, प्लीज उसे भी दबाओ यार, वो बेचारा अकेला फील करता है। एंड आई नो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा 60-70 व्यूज जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो गलती से भी उन लोगों के पास पहुंचती जिनकी मैंने इस वीडियो में बात करी है, तो प्लीज यार ऑफेंड बिल्कुल भी मत होना। और यार तुम लोग भी YouTube पे वही धंधा कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, तुमसे बेहतर इसके बारे में और कोई समझ नहीं सकता। बस यार, मिलते अगली वीडियो में, बाय। मुझे नहीं करना है किसको भी प्रूव, मुझे पता है कि कितना हूँ काबिल, में मेरी है गिनतियाँ सबसे अलग, इसलिए तो औरों में होता नहीं शामिल, मैं आमिल ले देख जितना जिताऊँ, हिप हॉप को इज्जत दे बाप हो, करते हम काम तो रात को, याद रखते बात को, मिलजुल के रहते चाहे कोई भी जात हो, करते रे ड्रीम मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू, इंडिपेंडेंट का सीन सीखता हर दिन, रातें काली नहीं अब है रंगीन, जितना दिया।